सुशांत के फैंस के लिए मैं कहना चाहता हूँ और बिहारियों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहना चाहता हूँ, और उन एक्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए इनको बहुत चिंता है कि नेपोटिज्म का कुछ किया जाए और कैसे ये ख़त्म होगा। तो बहुत लोग लगे हुए हैं, और जिसमें से मैं भी अपने आप को जोड़ना चाहता हूँ कि मैं भी इस चीज़ में लगना चाहता हूँ, और सीक्वेंस में मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, इस पर बात करूँगा कि यह नेपोटिज़म ख़त्म हो के रहे। और हर वो पहलू, मुझे पता है वो चीज़ ऑलरेडी इंटरनेट पे, मुझे पता है कि हजारों लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अगर आपको एक जगह पे कंबाइन अगर कहीं करके मैं दिखा सकता हूँ और उसका एनालिसिस कुछ दे सकता हूँ, तो वो यहाँ है। और मैं चाहता हूँ कि इतना रीज़न काफ़ी है कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें ताकि एक लार्ज ऑडियंस तक पहुँचे। और इन जिन ठेकेदारों ने ठेका दे रखा है कि हम ही पिक्चर बनाएंगे, हमारे मर्जी के लोगों को रखेंगे, टैलेंटेड लोग अगर आ जाएं तो गलती से वो रूल ना कर लें हमारे ऊपर, हमसे ज़्यादा फेम ना ले लें, हमसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना, हमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट ना उनकी हो जाए, हम उनसे उनके ही हिसाब की पिक्चरें छीन लेंगे और घटिया सा कंटेंट बना के जनता को परोस देंगे, और जस्ट बिकॉज कि गाने अच्छे हैं या कुछ चीज़ें हैं उसको मिर्च मसाला लगा के एक हिट बना देंगे। अब आप सोचिए कि आपने क्या मिस कर दिया। ये जो आज वाली न्यूज़ है, अगर सबको पता भी होगी तब भी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत से हाफ गर्लफ्रेंड को लेके किसको दिया गया? अर्जुन कपूर को। वो मूवी एक प्योर शिट थी। अब ज़्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि अर्जुन कपूर ने एक बिहारी का रोल निभाने की पूरी कोशिश की, वो बिहारी एक्सेंट, वो भोजपुरी एक्सेंट, उस लड़के का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक ऐसे गुट का हिस्सा है या उसकी फैमिली जो ऊपर ये लोग रूल कर रहे हैं, कपूर परिवार, जो कभी भी किसी प्रोड्यूसर को दबाव डाल के अपने बहकावे में ला के कोई भी बड़ी से बड़ी पिक्चर दिलवाई जा सकती है। अब सुशांत सिंह राजपूत, आपको मैं स्टोरी पढ़ाना चाहता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं लिंक भी दे दूंगा। जब वो लड़का फाइनल हो चुका था, चेतन भगत का ट्वीट आ चुका था, वो खुश थे, सुशांत सिंह राजपूत प्योर बिहारी, उसको कुछ अलग समझाने की जरूरत नहीं थी, आप पढ़ सकते हैं, उसने अच्छे से पूरी प्रिपरेशन के साथ सबको सरप्राइज किया हुआ था, अपने हर एक अपनी एक्टिंग से, अपनी अपनी बिहारी एक्सेंट से और अपनी परफॉर्मेंस से वो प्रिपेयर्ड है, उसको कोई दिक्कत नहीं, मूवी की शूटिंग स्टार्ट होनी है। फिर आपको पता है कि मूवी किसके साथ बन जाती है, मतलब साइन कौन किया जाता है, फर्स्ट चॉइस कौन है और मूवी बनाई किसके साथ जाती है, इतना बड़ा डिफरेंस। तो क्या मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है? फितूर, फितूर मूवी के लिए भी सुशांत सिंह राजपूत को लिया गया था और वो पिक्चर की भी किसी कपूर साहब ने। तो या तो ये कपूर की हेजीमनी चल रही है या खान्स की हेजीमनी चल रही है या उनकी चल रही है जिनका संपर्क दाऊद से है या किसी माफिया से है जो बॉलीवुड को कंट्रोल करके रखा है। तो धीरे धीरे ऐसे सिलसिले खुलेंगे, लोग एक्सपोज करेंगे, जैसे सोनू निगम ने अभी एक्सपोज किया हुआ है, म्यूज़िक इंडस्ट्री को धो के रखा हुआ है उस आदमी ने, और वीडियोज़ आप लोग देख चुके होंगे, उनकी मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक पैरेलल चल रहा है कि बॉलीवुड अलग, म्यूज़िक इंडस्ट्री अलग। तो अब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, और आप भी कमेंट करके बताइए, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ अगर आप एक रैशनल थिंकर हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो आप क्या सिर्फ वेब सीरीज़ पर डिपेंडेंट होंगे? क्यों नहीं ये दल्ले जितने भी ये कपूर वाले हैं, ये जो बच्चे हैं जिनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, नए नए, वो क्यों नहीं अच्छी एक्टिंग दिखा के चल पा रहे हैं? क्योंकि इनके में क्वालिटी कंटेंट देने की क्षमता नहीं है, और जिस लड़के में था उसकी तो जान ले ली। डर है ना, ये डर अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ उसकी बहुत अच्छे से सीबीआई जांच हो, और अब जनता से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप, मुझे मेरे कंटेंट की चिंता नहीं है, आप जिसका भी कंटेंट लॉजिकल पाएं उसको शेयर करें। इनकी पीआर टीम तो देखेगी ना, सलमान खान की पीआर टीम तो देखेगी ना, जब ये लोग एक्सपोज होंगे तो इन लोगों तक बात पहुँचेगी ना, आप वो करिए। दूसरा स्टेप आप ये करिए कि इनको जहाँ मिले आप वहाँ इनको काउंटर करिए, इनसे सवाल पूछिए, और तीसरी चीज़ ये करिए कि इनकी मूवियाँ देखना बंद करिए, रेटिंग्स दीजिए तो एक ही दीजिए, या आप ऑप्शन नहीं, एक से नीचे क्या देंगे, एक से नीचे ऑप्शन तो वो भी कर दीजिए, नहीं रेटिंग दीजिए, कम दीजिए, रिव्यू भी दीजिए और ओरिजिनल दीजिए, आपके अपने थॉट्स बताइए, इनको
इनको गालियाँ पड़ती रहनी चाहिए, इनको एहसास हो जाना चाहिए कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। तुम लोगों ने जो हथियार यूज़ करके, जो नॉन फिज़िकल कह लें हथियार यूज़ करके किसी की जान ली है, और मैं तो अभी उसी नतीजे पे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ कि मर्डर है, सुसाइड है, क्या कहा जा रहा है कि सुसाइड है, तो मैं सुसाइड मान के चलता हूँ। तो ये इन्होंने यूज़ किया हमारा, अब जनता दिखाएगी और दिखाना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है, टैलेंट की कदर क्या होती है, और जनता भी सेलेक्टिव होके, सेलेक्टिव हो जाओ टैलेंट के लिए, अप्रिशिएट करो टैलेंट को, आगे बढ़ाओ टैलेंट को, इन दलों के आगे पीछे मत देखो, कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, अवार्ड शो हो, उस शो की टीआरपी मत बढ़ाओ, आप देखिए कि आपको क्या करना है, वरना फिर किसी सुसाइड में किसी बड़े मंझे हुए कलाकार जो पूरा ठेठ देसी है उसका खबर आता है तो आप रोते रोते मत बाहर आइए। पोस्ट शेयर करने से तब कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी जान रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ, बहुत लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन जो लोग हमारे बीच ज़िंदा हैं बड़े बड़े एक्टर्स, उनके लिए अभी भी हम दो शब्द भी नहीं कहते, और जब वो लोग चले जाते हैं तो हम लोग रोते हैं कि अब सबक सिखा देंगे, अब सबक सिखा देंगे। आप जो ज़िंदा हैं उनको अप्रिशिएट करिए एटलीस्ट, और जो हमारे बीच से चला गया है उसका रिवेंज तो लेना पड़ेगा, सबक तो सिखाना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।